हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, यहां पर आज हम एक बच्चे की पैंट कटिंग करने वाले हैं जो करीब 8 साल का होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो लंबाई है वो 35.5 इंच है, कमर है वो यहां पर 24 इंच है, हिप 27.5 इंच, थाई 17 इंच, बॉटम 12 इंच। ठीक है, अब हम इस तरीके से यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा दिया है। देखिए कन्नी वाला हिस्सा है वो इस तरीके से यहाँ पर डबल करके बिछा दिया है, जो उल्टा है वो बाहर है, जो सीधा है वो इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे हम एक इस तरीके से अपनी गुनिया फंटी को सीधा करके और सीधा एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर लंबाई की। तो 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर, जो हमारा बेल्ट लगता है इसलिए निकालते हैं 1 इंच। अब यहाँ पर 33.5 इंच पे लगाएंगे निशान और 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी कमर है वो है 24 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर 24 इंच हमारी कमर है। अब इसकी जो हिप है वो है 27.5 इंच, तो 27.5 का हम करेंगे 4 भाग, तो होता है 7 × 4 = 28। ठीक है, तो 27.5 यहाँ पर आ गया हमारा, करीब आ गया 7 इंच में, एक सूत कम। मगर यहाँ पर ये बच्चे की पैंट है, बड़े का प्रोसेस अलग होता है, उसमें 4 भाग करके लगा देते हैं। और बच्चे की पैंट में यहाँ पर लगाते हैं हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके, या आप अपनी लंबाई का 4 भाग करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, बच्चे की पैंट में तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे, तो हम यहाँ पर 7.5 में एक सूत कम पे यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पॉकेट के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, फैलाव रखेंगे यहां पर हम 2.25 इंच, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहां पर लगाना है हमें लंबाई वाला एक निशान, दूसरा बॉटम में जो फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम थाई की, तो थाई है यहाँ पर 17 इंच। ठीक है, 17 का हम करेंगे हाफ, तो यहाँ पर होता है 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच होता है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच नाप लेंगे। तो दोस्तों हमें इस तरीके से इस निशान से रखना है और यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और 1.5 इंच लेंगे अपनी फलाई की गोलाई के लिए, यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन, और यहाँ पर कमर है 24 यानी कि 24 इंच, 24 इंच का करेंगे 4 भाग, दोस्तों होता है 6 × 24, 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। अब दोस्तों यहाँ पर हम सीधा इसको कर लेंगे और यहाँ पर दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में हमें 1/2 इंच अपने सामने को डाउन करना होता है छोटी पैंटों में, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं फलाई हमारी कितने ऊपर लगेगी। तो दोस्तों हम बच्चों की पैंट में यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच पे। ठीक है, 2 इंच पे यहाँ से अटैच करेंगे फलाई को। अब जो हमने यहाँ पर मार्जिन दी निशान लगाया है 8.5 इंच पे, सेम तरीके से हमें भी यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाना होगा। अब 8.5 का हाफ कर लेंगे, हो गया 4.25, बॉटम है इसका 12 इंच, तो हमें इस निशान से क्रीज वाले यानी सेंटर के निशान से 3 इंच इधर निशान लगाना होगा और 3 इंच इधर लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अब यहां पर हमने लगा दिया है। लगाने के बाद में हमें लेना है ये शेप फंटी, और इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच इससे ऊपर निकालेंगे। अगर थोड़ी लूज चाहिए पैंट, अगर आपको बिल्कुल फिट चाहिए, तो आप यहाँ से ये वाला हिस्सा इस निशान से मिला के और इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी लूज चाहिए, तो मैं 1/2 इंच अपनी स्केल को इस निशान से ऊपर करके और निशान लगा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहां पर हमारे निशान लग चुके हैं। अब दोस्तों इसकी करना है हमें कटिंग। यहाँ पर हमने अपने सामने को बिछा दिया है, सामना बिछाने के बाद में यहाँ लगा दिया है निशान। अब एक निशान लगाएंगे हम अपनी लटक वाला इस तरीके से। अब हमें अपने सामने से जो बैक को उठाना है छोटी पैंट में, दोस्तों यहाँ पर हम उठाएंगे केवल यहाँ पर 1 इंच। ठीक है,
बड़ी पेंटो हम यहाँ पर लेते हैं 1.25 इंच से 1.5 इंच तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 इंच लेके और एक निशान लगा दिया है। उसके बाद में 1/2 इंच लेंगे हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन, और सिलाई मार्जिन लेने के बाद कमर का करेंगे 4 भाग। तो दोस्तों 24 इंच कमर है, तो इसका हो गया 6 इंच, ठीक है। अब जो हमारे बीच में यहाँ पर एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये 1/2 इंच का मार्जिन जाएगा, तो 1 इंच की यहाँ प्लेट पड़ेगी, तो हमें यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना होगा। सीट ड्राई के लिए हम यहाँ पर देंगे केवल 2 इंच, ठीक है, कि बच्चे की पैंट है, बड़ी पैंट में देते हैं हम 2.5 इंच, 2.25 से 2.5। अब बात करते हैं यहाँ पर हिप की, हिप है इसकी 27.5 इंच, तो इस जगह लगाएंगे मार्जिन का निशान, और यहाँ पर 27.5 का 4 भाग कर लेंगे, तो 7 × 4 = 28, 7 इंच में एक सूत कम हो गया, 1/2 इंच देंगे लूजिंग। उसके बाद यहाँ पर अपने सामने से बैग में जो हम लूजिंग देंगे फिटिंग की पैंट में, वो देना होती है हमें 2.25 इंच, चाहे बड़ी पैंट हो या छोटी हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ नीचे बॉटम पे, तो हमें अपने सामने से बैग में जो मार्जिन देना है वो 2.25 इंच देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे हम निशान, और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से हम दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में एक निशान ये हमारा सामना है, यहां से लेंगे इस तरीके से, और एक निशान इस प्रकार लगा देंगे, और यहां से गोलाई दे देंगे मार्जिन वाली। अब हमें उठाना है शेप फंटी, और शेप फंटी को इस तरीके से रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्यों हमने 1/2 इंच ऊपर निकाली थी वहां सामने कटिंग करते टाइम, तो 1/2 इंच हमें यहाँ पर भी ऊपर निकाल ली है, और इस प्रकार निशान लगा देंगे। अब दोस्तों हमारे मार्जिन बचा, इस मार्जिन को इस तरीके से लेंगे। एक भाई की कमेंट आई थी कि समझ में नहीं आया मार्जिन किस लिए छोड़ते हैं। दोस्तों ये मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं अगर आपकी थाई कभी भविष्य में टैट हो जाए तो आप इसको लूज कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पेन की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पर आपको हमारी कटिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। आपको हमारी कटिंग अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।